हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर काफी टाइम बाद वीडियो बना रहे हैं सबसे पहली बार, और अब हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पर रेगुलर रहे। और आज हम जिस शहर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं उसका नाम है पुदुम जी, पेपर एंड प्रोडक्ट अनलिमिटेड। आज का दिन लगभग 5% भागा है, बट मैं आपको वीडियो में एंड तक चलेंगे, टेक्निकल फंडामेंटल बहुत सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। बट उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हमने इस शेयर को सही टाइम पे पकड़ा था, वहां से ये शेयर लगभग 200% भाग चुका है, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर हम मिड टर्म का व्यू देते हैं कि मिड टर्म में कैसे आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करके। तो यहाँ पर देखिए 18/3, ठीक है, 18/3/2024, मतलब इसी साल हमने मार्च में इस शेयर को दिया था, ठीक है। उस टाइम अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग इस शेयर का प्राइस 68 रुपीज, 67 रुपीज पे चल रहा था, ठीक है। यहाँ देखिए पुदुम जी पेपर 68 रुपीज स्टॉक, ठीक है। यहाँ पर बाइंग लेवल सब चीज हमने यहाँ पर बता रखी थी, ठीक है। इसके बाद देखोगे उस टाइम शेयर काफी सस्ता हुआ करता है 68 रुपीज का, और यहाँ पर आप देखोगे ये शेयर आज की डेट में 185 पे चल रहा है, 200 रुपए का इसने हाई बनाया है, तो लगभग 3 गुना के रिटर्न यहाँ पर बन चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बार नहीं, ये शेयर हमने बार बार बीच बीच में अपने ग्रुप में अपने लोगों को, ठीक है, जो हमारे साथ कनेक्टेड है उन्हें 8 टाइम्स इस स्टॉक से रिलेटेड हमने बातें करी, ठीक है। हमारा दूसरा ग्रुप है उसमें हमने यहाँ पर स्विंग में देते हैं, तो उधर भी हमने 4-5 बार जब जब स्विंग में यहाँ पर बाइंग बनाए हमने इस शेयर को यहाँ पर बताया है। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता था। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सब चीज जानेंगे, टेक्निकल फंडामेंटल अभी भी क्या पोटेंशियल है वो सब चीज जानेंगे। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बाइंग सेलिंग की बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को स्टडी करना है, चीजों को सीखना है। सीखने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप वीडियोस है, आप जाइए एक एक करके वीडियोस को देखिए, आपको काफी कुछ समझ में आता हुआ नजर आएगा कि कैसे यहाँ पर काम होता है। इसके अलावा क्या हमने यहाँ पर पुदुम जी आपको भी यहाँ पर बताया था, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर सर्च करके, ठीक है। तो हमने इस शेयर से रिलेटेड यहाँ पर बातें नहीं करी है, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी दे रखा था अपने ग्रुप में। तो मोस्टली ये होता है कि जब हम यहाँ पर देते हैं तो हम मैं यहाँ पर वीडियो बना के यहाँ पर बातें नहीं करता, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ना हो। तो हम यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले अपने ये कोर्स भी है जहाँ पर बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल सब चीज हम बताते हैं। 8860540501, 8169261037, यहाँ पर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर इस कोर्स की जानकारी ले सकते हो, जहाँ पर आपको पता चलेगी कि ये शेयर हमने सही टाइम पे कैसे पकड़ा, क्या रीजन था, क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा था जिससे यहाँ पर ये शेयर यहाँ पर लगभग 195%, 200% के रिटर्न यहाँ पर बनते हुए नजर आए। वो सब चीज आपको यहाँ पर इस कोर्स में पता चलेगी कि शेयर कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, पूरा आइडिया आपको लगेगा। इसके अलावा आप साथ में काम करना चाहते हैं तो भी इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं पुदुम जी पेपर लिमिटेड की, कंपनी करती क्या है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो कंपनी है यहाँ पर स्पेशलिटी पेपर सेगमेंट में यहाँ पर काम करते हैं, फॉर रैपिंग एंड द फूड ग्रेड पैकेजिंग पेपर, हाउस होल्ड एंड द सैनिटरी पेपर। तो यहाँ पर पेपर इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, वो प्रोडक्ट्स बनाती हुई नजर आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टिश्यूज वगैरह, जो फेशियल टिश्यू, नैपकिन वगैरह, बाथरूम टॉयलेट जो डायपर टिश्यू होते हैं वो ये बनाती है। इसके अलावा डेकोर ये ग्रेड्स के यहाँ पर ये पेपर बनाते हुए नजर आते हैं, फूड में जो ये काम आता है वो पेपर बनाते हुए नजर आते हैं। तो एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह की कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है, क्यों अच्छी कंपनी है, वो सब पता आपको पता चलती हुई नजर आएगी। कंपनी के बारे में बात करें और तो यहाँ पर आपको पता चलेगा मार्केट कैप 1758 करोड़ रुपए की कंपनी है। तो ये कौन सी कंपनी है, ये है स्मॉल कैप, ठीक है। जब हमने इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात करी थी उस टाइम 641 करोड़ रुपए का मार्केट कैप था, ठीक है। तो यहाँ पर अभी 1758 का है, तो यही सही टाइम पे पकड़ोगे ना छोटी कंपनी को, तो मार्केट कैप जैसे जैसे बढ़ेगा आपके यहाँ पर पैसे बनते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा पीई की बात करें 13 का पीई है, इंडस्ट्री की पीई की बात करें 11 का पीई है। उस टाइम बात करें पूरी डिटेल्स के साथ हम यहाँ पर बात करते हैं, जब हम अपने ग्रुप में बात करते हैं क्यों क्या कैसे यहाँ पर नीचे आप देखोगे ना, अभी अगर मैं दिखा पाता तो आपको बताता कि कैसे हमने यहाँ पर ये स्लाइड बाय स्लाइड यहाँ पर बताया क्यों ये शेयर इतने सस्ता है, क्यों ये शेयर अच्छा है। लगभग 9 का पीई था, आज के डेट में हम बात करें तो 13-14 के पीई पे यहाँ पर काम कर रहा है। आरओसी आरओई काफी बेहतरीन है,
सेल्स ग्रोथ 12% की, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 30% का, प्राइस टू बुक वैल्यू अब महंगा हो गया, उस टाइम यहाँ पर उसी प्राइस के आसपास चल रहा था, ठीक है, इंट्रेंसिक वैल्यू 120 रुपए के आसपास थी, डेट की बात करें डेट फ्री शेयर था, तो सब कुछ पॉजिटिव नजर आता था इस शेयर में, और अभी भी पॉजिटिव ही नजर आता है, कुछ नेगेटिविटी अभी भी नहीं आई है। बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पर आप देखोगे कि कैसे एक कंसोलिडेशन करके यहाँ पर शेयर एक एक ही रेंज में ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बाकी इसके पीयर्स की बात करें, यहाँ पर दूसरे इसके पीयर्स में कोई मोमेंटम ही यहाँ पर दिखाई नहीं देता, यहाँ पर ये शेयर अलग ही चल रहा था, अलग ही दुनिया में चल रहा था, इसलिए ये शेयर यहाँ पर हमारे लिए बेस्ट था। क्यों? क्योंकि जो चीजें इसमें चेंज हो रही थी वो चीजें उस दूसरे कंपनी में नहीं हो रही थी, तो इसलिए ये कंपनी बेहतरीन थी। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो आपको समझ में आएगा कंपनी के नंबर्स आप देखोगे तो कंपनी के नंबर काफी बेहतरीन है। अभी भी देखोगे 222 करोड़ की सेल्स है, जो कि हाईएस्ट एवर है ईयरली क्वार्टरली बेस पे। कंपनी का प्रॉफिट आप देखोगे, नेट प्रॉफिट देखोगे, वो भी यहाँ पर आप देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया, 4-5-6 क्वार्टर का मार्जिन कंपनी के बढ़ते हुए नजर आया। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें बताती है कि कंपनी बेहतरीन है, कंपनी काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। ईयरली बेस पे काम देखें तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कंपनी का ईयरली बेस पे परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है। कंपनी के प्रॉफिट देखोगे, जहाँ पर 0 और 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, वहां पर 100 TTM बेसिस पे 127-100 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में यहाँ पर बैठी हुई है। तो ये सारी चीजें अगर आप ऐसी कंपनी को पकड़ते हो जहाँ पर ग्रोथ दिखाई देती है, वो यहाँ पर आपके पैसे को मल्टीबैगर बनाती है। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के रिजर्व 500 करोड़ के आसपास के है, बोरिंग ना के बराबर है 15 करोड़ की, 20 करोड़ पे वर्किंग प्रोग्रेस में इन्वेस्टमेंट, 180 करोड़ का कैश की बात करें कंपनी के पास अच्छा खासा 13 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या है, अच्छी है, कैश फ्लोज पर यहाँ पर पॉजिटिव नजर आते हैं। थोड़ी सी और आगे बात करें, प्रमोटर्स की होल्डिंग 71.31 एज इट इज यहाँ पर रख रखी है, ठीक है। FIs की बात करें, FIs ने भी यहाँ पर पिछले 2-3 क्वार्टर में हिस्सेदारी बढ़ाई है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास लगभग 26% 27% की होल्डिंग है, तो अच्छा खासा यहाँ पर 48,000 लोग यहाँ पर इन्वेस्टेड है इस पर्टिकुलर शेयर में सितंबर के हिसाब से। तो ये शेयर इसलिए काफी यहाँ पर बेहतर नजर आता है। फंडामेंटल की बात करें, फाइनेंशियल की बात करें, काफी काफी अच्छी मजबूत कंपनी है ना, कंपनी के नंबर्स अच्छे खासे आ रहे हैं। तो और यहाँ पर हम बात करें उसी हिसाब से शेयर भी आप देखोगे तो अच्छा खासा भागता हुआ नजर आया। अब बात करेंगे टेक्निकल की, कि टेक्निकल में यहाँ पर क्या है, बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, वीडियोज देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नंबर को नोट करके आप हमारे साथ इस जर्नी का हिस्सा बन सकते हो, आप हमारे साथ कोर्स के माध्यम से जुड़ सकते हो, ताकि आप सीखोगे तो फर्स्ट लर्न हो, फिर उसके बाद तो पैसे यहाँ पर आते ही नजर आएंगे। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पर आप देखोगे जब हमने यहाँ पर मार्च में ये शेयर को दिया था 18 मार्च के आसपास, ठीक है, यहाँ पर था ये 18 मार्च, उस टाइम से हम देखे तो ये शेयर में अच्छी खासी 200% तक की रैली यहाँ पर होती हुई नजर आई है। अब बात करें कुछ और चीजों की, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक ही वे में चलता हुआ नजर आया है। अभी क्या नजर आता है, अभी क्या और ज्यादा जा सकता है, तो मुझे क्या नजर आ रहा है, अगर आप ट्राई कर रहे हो तो सबसे पहली बात तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन ही है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी, और मैं यहाँ पर सिखाने के पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, तो सीखने के पर्पज से आप सोचिएगा। तो अगर कोई यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर शेयर को लेता, तो यहाँ पर अब ऑलरेडी जब 200% भाग चुका है, ठीक है, मेरे दिए हुए लेवल से, तो अभी क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा शेयर महंगा हो गया है, थोड़ा सा रिस्की हो गया है, तो हमें उस हिसाब से भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। दूसरी बात करें, अगर मैं यहाँ पर ट्राई भी करता तो अब मैं प्रॉपर कहते हैं ना कि बड़े ध्यान से, बड़े सतर्क तरीके से मैं यहाँ पर बाई करता, तो वो ही सतर्क तरीके से बाई करता, मतलब मैं स्टॉप लॉस को फॉलो करता। कितना स्टॉप लॉस बन रहा था, स्टॉप लॉस बन रहा था 171 का, ठीक है, लगभग लगभग मैं यहाँ पर बात करूं 170 के आसपास का स्टॉप लॉस, 15 रुपए का यहाँ पर रिस्क लेता, और जैसे ही ये शेयर 190 या 200 को यहाँ पर क्रॉस करता, 200 को क्रॉस करेगा, तो यहाँ पर ये शेयर शायद 220, 230 और 250 रुपए तक का भी लेवल अभी कुछ दिनों के अंदर अंदर छू सकता है। बट मेरे कहने पर नहीं लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखना है, समझना है। और रिस्क की बात करें तो रिस्क कितने रुपए का है, 15 रुपए का है, ठीक है ना। तो स्टॉप लॉस को भी यहाँ पर फॉलो करना जरूरी है, और शेयर ऑलरेडी अच्छा खासा भागा है, अच्छी खासी कंपनी है, और अच्छी खासी कंपनी को अगर सही टाइम पे पकड़ लेते हैं ना, तो यहाँ पर आपको काफी कुछ समझ में आएगा। अब यहाँ पर ही क्यों बाइंग हुई थी, ठीक है, वो चीजें अगर सीखनी है, समझनी है, तो आपका वेलकम है कहाँ पर, हमारे कोर्स में, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वीडियोस के थ्रू तो हम यहाँ पर बताते ही रहते हैं, बट वीडियो में 8-10 मिनट की वीडियो में बहुत सारी चीजें नहीं बताई जा सकती, तो वो कोर्स में कंप्लीट हो जाती है। साथ में अगर कोई काम कर ले साथ में हमारे साथ, तो और अच्छी बात है ना। तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हमारे साथ इन ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो, जुड़ सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ऑल पर नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, बस हमारे चैनल को प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।